नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सूरत में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पाटीदार आंदोलन से नेता बने अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया ने इस्तीफा दिया है। गुजरात के रहने वाले पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने के लिए पाटीदार समाज के युवाओं ने साल 2015 में आंदोलन शुरू किया था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नाम से आरक्षण दिलाने के लिए संगठन बना था। इसकी अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल फिलहाल भाजपा से विधायक बन गए हैं, मगर अल्पेश और धार्मिक अभी भी राजनीति में जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं। सूरत में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद नेता बनकर उभरे हार्दिक पटेल ने के कभी साथ ही रहे सूरत के अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले धार्मिक मालविया सूरत की अलपाड़ और अल्पेश कथीरिया सूरत की वराछा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। गुजरात के रहने वाले पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने के लिए पाटीदार समाज के युवाओं ने साल 2015 में आंदोलन शुरू किया था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नाम से आरक्षण दिलाने के लिए संगठन बना था। इस संगठन की अगुवाई हार्दिक पटेल कर रहे थे। गुजरात के पाटीदार समाज को आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन इस आंदोलन ने कई नेताओं को जन्म जरूर दे दिया। इसमें हार्दिक पटेल भी शामिल है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हार्दिक पटेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी रहे हैं और कई राज्यों में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का माहौल बनाने की कोशिश भी की थी, मगर वे सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद हार्दिक पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया था और वर्तमान में वह गुजरात की वीरमगांव सीट से भाजपा के विधायक है। उन्हीं हार्दिक पटेल के साथी रहे अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवीय भी आंदोलनकारी से निकलकर राजनेता बनने चले थे। राजनेता बनने के लिए दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मतदाता उन्होंने वोट नहीं दिया था, जिनकी वजह से चुनाव में दोनों को करारी शिकस्त देखनी पड़ी थी। अल्पेश कथीरिया सूरत की वराछा विधानसभा सीट से भाजपा के कुमार भाई कनानी के सामने चुनाव हार गए थे। वहीं धार्मिक मालविया सूरत की अलपौड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के मुकेश भाई पटेल से चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद दोनों ही नेता खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के मंच पर कभी नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों नेताओं को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। ऐसे में 18 अप्रैल को दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अब इन दोनों नेताओं से आज तक की टीम ने बातचीत की और सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने किस कारण से आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। दोनों नेताओं ने यही कहा कि वह आम आदमी पार्टी को सामाजिक जवाबदारी और व्यक्तिगत कारण की वजह से समय नहीं दे पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं से यह भी पूछा गया कि वे भाजपा में कब शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि फिलहाल भाजपा में जुड़ने की कोई भी बातचीत नहीं है। यदि भविष्य में वो भाजपा में शामिल होंगे तो इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।